स्वागत किया जा रहा है। सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अभी तालियों की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। जी हाथ लगाइए। आशीष ब्लॉक प्रमुख अरुण सिंह जी, अधिशासी अधिकारी कुलवंत सिंह भी नहीं था। मैं आज नहीं उल्टा सीधा बोलने लगा हूं। मैं राजनीति में जब आया तो पहला मेरा स्टेटमेंट था मथुरा में कि अयोध्या मथुरा काशी तो छोड़ो राजा भैया, अयोध्या मथुरा काशी तो छोड़ो, दिल्ली की जामा मस्जिद तोड़ो, अगर सीढ़ियों में मूर्तियां न निकले तो मुझे फांसी पर लटका देना। आज भी कायम हूं अपने स्टेटमेंट पर। मुगल काल में हिंदुओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया, मंदिर तोड़े गए, मस्जिदें बनाई गई, 3,000 से ज्यादा। ये तो मामला अयोध्या मथुरा काशी का है। अब लोग विरोधी आरोप लगाते हैं सौगंध राम की खाते मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख बताएंगे, हम बताएंगे, चिंता मत करो, हम तारीख बताएंगे। लेकिन हमारे तारीख बताने से पहले कम से कम मंदिर की बात तो करते हैं। हमारे एजेंडे में मंदिर की बात तो होती है। कांग्रेस के पप्पू राहुल गांधी बताएं कि अयोध्या में मंदिर बनाना चाहते हैं कि मंदिर के विरोधी हैं। बसपा की कुमारी बहन मायावती बताएं वो अयोध्या में मंदिर चाहती है कि मंदिर की विरोधी हैं। सैफई में विष्णु मंदिर का संकल्प लेने वाले मुलायम सिंह के साहबजादे अखिलेश यादव बताएं वो अयोध्या में मंदिर चाहते हैं कि मंदिर के विरोधी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कल ही जयपुर में कहा है कि हम एक इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। वहां मंदिर था, मंदिर है और वहीं पर भगवान का दिव्य मंदिर बनने वाला है। दुनिया में मंदिर को बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब दीक्षित जी ने विद्याधर जी सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जहां आवश्यक नहीं था वहां निर्णय दिए हैं, लेकिन अयोध्या के मामले में टालने का काम, टालमटोल का काम